आज जो नया लोकार्पण हुआ है उस बड़े पर्यटन के लिए भी मैं समझता हूँ कि नवीन ओपीडी व इमरजेंसी ब्लॉक बना है उसमें बहुत बड़े रूप में इन्होंने काम 2-3-4 करोड़ के काम किए हैं। मैं समझता हूँ उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। सबने मिलकर के जोधपुरी परंपरा जो बरसों से बनी हुई है, यहाँ सर्विस क्लब अच्छे हैं, चाहे ब्लाइंड स्कूल हो, हैंडीकैप्ट के लिए स्कूल हो, एक से एक बढ़ के काम करते जोधपुर के लोग। उस कड़ी में जब पहली वेव आई थी कोरोना की, तब भी कमी नहीं रखी थी आप लोगों ने। जैसे पूरे प्रदेश के अंदर भी अच्छा माहौल रहा, अभी रघु शर्मा जी ठीक कह रहे थे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, तमाम धर्मगुरुओं को, तमाम एनजीओ को, एक्टिविस्ट को और ब्यूरोक्रेट तो लगा ही रहा ऊपर से नीचे तक। मेडिकल फैटर्निटी, डॉक्टर, नर्सेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए, आशा सहयोगी हो, आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, कहने का मतलब कोई किसी ने, एक एक व्यक्ति ने, सरकारी या गैर सरकारी, सब लोगों ने मिलकर पहले वे में मुकाबला किया। और इसीलिए पूरे प्रदेश की हमें तो आप लोग बधाई देते हो और तारीफ करते हो, परंतु असली काम तो पब्लिक के सहयोग से संभव हुआ और उसी के सहयोग से ही पूरे राजस्थान का नाम देश में नहीं बल्कि दुनिया में पहुंच गया कि नो मास्क नो एंट्री का हमने नारा दिया तो लंदन तक के अस्पताल में लग गया नो मास्क नो एंट्री। इस प्रकार के हर जगह राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल पहुंचा तो दुनिया के कई मुल्कों में पहुंच गया, क्योंकि शुरुआत हुई थी बीमारी की, महामारी की, दुनिया भर के किसी को समझ में आ ही नहीं रहा था कि महामारी क्या भला है, किस रूप में इसको मुकाबला करना है। भीलवाड़ा का मॉडल जो था घर घर जा कर के, जो अभी हम कर रहे हैं घर घर जा कर के, दो दो बार कर चुके राजस्थान के अंदर कि घर घर जाके आप लोगों से बातचीत करें, कोई खांसी जुकाम है तो उनके नाम अलग लिखें, उनको आप दवा के पैकेट दे दें, उनको आप रेफर करें अस्पताल के अंदर तो आगे वो फैलाए नहीं, टाइमली मालूम पड़ जाए कि कौन है इसको या हो सकता है। 16 लाख लोग यहाँ मिले हमें अभी सर्वे किया था तो टाइमली इलाज हो गए तो अधिकांश लोग ठीक हो गए। तो ये मॉडल उस वक्त में कोरोना में मौतें होने के बाद जब बनाया गया और जिस प्रकार सील किया गया बॉर्डर को भीलवाड़ा का, सारे अस्पतालों को अलग से कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया और सेंटर बनाए गए रहने के लिए अलग से, जिससे कि वहाँ पर उनको रखा जा सके जिनके घर में सुविधा नहीं हो परंतु फैलाए नहीं हो आगे, ये क्वारंटाइन सेंटर बना कहलाते हैं। और उस वक्त तो मालूम है कितने मजदूर पैदल चल रहे थे देश के अंदर, हमने राजस्थान में एक मजदूर पैदल नहीं चलने दिया। एसडीओ को कह दिया कि आपकी जिम्मेवारी है क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो तमाम आप उनके बसों का इंतजाम करो, कैंप लगाओ, खाना खिलाओ, जब तक कि बसें छोड़ने के लिए नहीं आए, यूपी हो चाहे किसी क्षेत्र में हो। आपका आश्चर्य होगा आसाम तक बसें गई राजस्थान से, बिहार तक गई है, बेंगलोर तक गई है, चेन्नई तक गई है और केरला तक गई है। एक इतना बना दिया उस वक्त में भी राजस्थान सरकार के माध्यम से, ऐसा माहौल बनाया जिससे कि कोई तकलीफ आए नहीं यहाँ पर, और जो लोग आए हमारे बाहर के लोग उनके लिए भी और जाने वालों के लिए भी। तो कहे उतनी बात कम है वैसे तो, अभी जो पैकेज दिया वो भी मेरे ख्याल से एक शानदार पैकेज है जिसमें अनाथ जो बच्चे हो गए हैं उनको 1 लाख रुपये तो इमीजिएटली मिलेंगे और 2,500 रुपये उनको मिलेंगे मंथली, और 18 साल के होने पर 5 लाख मिलेंगे। उनके स्कूल का खर्चा, उनके हॉस्टल के खर्चे उस पैकेज में सब लिखा हुआ है। विधवाओं के लिए भी 1 लाख तो इमीजिएटली देंगे उसको, और 1500 रुपये पेंशन जो मिलती है विधवाओं को उसके लिए कोई शर्त नहीं रखी है कि इनकम की शर्त भी नहीं है। इस प्रकार से कोशिश की है कि अच्छा पैकेज राजस्थान में मिले लोगों को, क्योंकि हमें बहुत दुख होता है और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में हमारा कल्चर भी है, हम लोग ज़्यादा संवेदनशील है कि कोई एक व्यक्ति जान क्यों जाए, उस परिवार में क्या गुजरती है जिस व्यक्ति के जान चली जाए कोरोना बीमारी के कारण चली जाए, एक महामारी में चली गई। तो ये कोशिश की गई।